बंधु भगिनियरे, ये क्षेत्र देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में पहचान देता है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार होने से क्या अंतर आता है, इसका प्रमाण सुपारी इंपोर्ट से जुड़ी नीति है। अब आप ये सुपारी इंपोर्ट की कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति की तुलना कीजिए तो आपके यहां के किसानों के लिए हमारे दिल में क्या जगह है वो आपको पता चलेगा। और अभी नहीं, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, येदियुरप्पा जी यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और सुपारी पर बड़ा संकट आ गया। येदियुरप्पा जी डेलीगेशन लेकर के गुजरात आए और मुझे कहा, मोदी जी आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी सरकार है, कर्नाटक के सुपारी के किसानों की मदद कीजिए। और मुझे खुशी है, मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने येदियुरप्पा जी ने जो कहा वो सारा कर दिया था। दोस्तों, यहां के सुपारी किसान सुपारी के इंपोर्ट से होने वाले नुकसान से चिंतित थे। अब मुझे बताइए, जब इतनी सुपारी की पैदावार होती है, इतने किसान सुपारी पर अपना गुजारा करते हैं और आप विदेश से सुपारी मंगवाओगे तो भारत के किसान का क्या होगा, कर्नाटका के किसान का क्या होगा? ये यहां के किसान के साथ अन्याय है कि नहीं है? मुझे जवाब दीजिए, अन्याय है कि नहीं है? यहां के किसान के साथ धोखा है कि नहीं है? ये सुपारी के किसान के खिलाफ षड्यंत्र है कि नहीं है? उन्होंने विदेशों से कम कीमत वाली सुपारी इंपोर्ट से करने का निर्णय कर लिया और हमारे किसानों की कमाई, इनकम कम होती गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने 2014 में मुझे दिल्ली में भेजा, आपकी सेवा करने का अवसर दिया। 9 ईयर पहले सुपारी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस MIP सिर्फ 100 रुपीज पर केजी के आसपास थी, 100 रुपीज पर केजी था। हमने सोचा कि ये तो मेरे कर्नाटका के किसानों को मार देगा। हमने हिम्मत की, दुनिया के लोग राजी हो नाराजी हो परवाह नहीं की, हमने आज सुपारी का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 350 रुपीज पर केजी कर दिया। तो कोई बाहर से लाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है, इतनी कीमत से कोई ला ही नहीं सकता है। फायदा किसको हुआ? कर्नाटका के किसान को हुआ, सुपारी वाले किसान को हुआ। यानी हमने MIP को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है ताकि कर्नाटका के सुपारी किसानों को कोई परेशानी न हो। स्नेहितरे, बीजेपी सरकार एक तरफ अपने किसानों को इंपोर्ट से सुरक्षा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ही सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10
टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देशों में पहुंच गया है। कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है और जिसका सीधा सीधा लाभ ये मेरे रायता बंधुओं को हुआ है, मेरे किसान भाइयों को हुआ है। बीजेपी सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर प्रकार की सुविधा किसानों को दे रही है। पिछले 9 वर्षों में 2000 से अधिक, 2000 से ज्यादा हमने बीज की वैरायटीज, नई नई वैरायटी किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। 9 साल में 2000 नई वैरायटी बीज की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े बड़े संकटों के बावजूद हमने देश में फर्टिलाइजर की कभी कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई, लेकिन हमने देश के किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। यूरिया की बढ़ती कीमतों की वजह से 2 लाख करोड़ रुपीज, 2 लाख करोड़ रुपये, उससे भी ज्यादा का बोझ जो किसानों पर पड़ने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा था ना, आओ बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया, ये बोझ सरकार ने खुद उठा रही है। स्नेहितरे, कांग्रेस सरकारों के पास सूखे, ड्राउट, बाढ़, फ्लड और दूसरी आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश में 1,30,000 करोड़ रुपीज, 1,30,000 करोड़ रुपया ये बीमा योजना से किसानों को मदद दी गई है, मुआवजा दिया गया है। इसमें कर्नाटका के किसानों को भी 10,000 करोड़ रुपये, 10,000 करोड़ रुपये मिले हैं। कांग्रेस के कमीशन काल में देश के करोड़ों किसान बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। हमने करोड़ों छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर अपने लोगों की, बिचौलियों की तिजोरियां भरती थी। हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपये सीधे कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में जमा किए हैं।